हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड जस्टिस में आपका स्वागत है। हम दोस्तों एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि एक टीवी टावर है जो कि स्टैंड्स अप वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 degrees फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meters अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 degrees। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायग्राम को, तो इस तरह से ये डायग्राम यहाँ पर अप्लीकेबल होता है। ए बी सी डी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 meters यहाँ पे हम लोग की बात करते हैं। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है फर्स्ट 60 degrees, फिर यहाँ पर आपका एंगल जो है 30 degrees। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एंगल 30 degrees, एंगल 60 degrees, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हमारी है 20 meters। अब यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लोग ट्राइंगल देख लेते हैं ए बी सी में, जहाँ पे जो वैल्यू थी वो 1060 degrees है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हम लोग ये सपोज करेंगे इस ट्राइंगल में, तो ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे जो एंगल है वो 60 degrees। तो यहाँ पे लगा देंगे 10 theta यानी 1060 degrees, जो कि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 degrees यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमें मिल जाएगा, तो क्या आप यहाँ पर दे सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हमें बी सी वैल्यू मिल गई। बी सी वैल्यू हमारी हो गई है ए पी अपॉन रूट 3। सेकेंड ट्राइंगल में आप दे सकते हो जस्ट ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ पे आपके अंदर जो ट्राइंगल लेंगे वो पूरा कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। तो यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे बेस पूरा हो जाएगा, इसको मान बी डी में यहाँ पर 20 plus BD, तो यहाँ पर लगेंगे 1030 degrees। 1030 की वैल्यू हम लोग जानते हैं होती है 1/√3, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी अपन बी डी हमारा बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बी सी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन √3 plus 20। फिर यहाँ पे हम लोग अपॉन 1 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बी √3 upon AB plus 20 √3 = 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 3AB = AB plus 20√3। माइनस कर देंगे 2AB = 20√3, तो यहाँ पे ए बी वैल्यू आ गई हमारी 10√3 meters। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी सी वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 10√3 upon √3। √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बी सी वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 meters। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 degrees है, एंड एंगल ऑफ डिप्रीशिएशन दे दिया यहाँ पर, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है फिर एंगल ऑफ डिप्रीशिएशन जो है वो 45 degrees का है, तो डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हमने पहले बनाया ए से बी, ए से बी हमारी क्या है बिल्डिंग है, और सी से डी हमारा है केबल टावर है। ए से बी हमारा ए बी इज़ द बिल्डिंग, ए से बी हमारा बिल्डिंग है और सी से डी हमारा केबल टावर है। तो ये कितना है हमारा, ये हमारा है 7 meters। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रीशिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे 60 degrees है ये, और ये हमारा है 45 degrees। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 45 degrees है, तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये भी 45 degrees हो जाएगा, और ये रिस्पेक्टिव हमारा एंगल 60 degrees है, 60 plus 45 ये हमारा मिडिल लाइन जो यहाँ पर
इसको काट रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल हम लोग ट्राइंगल लगा लेंगे मैथड। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखते हैं तो हमें पहले परपेंडिकुलर पता है, हमें एंगल पता है, बेस फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा में लगाएंगे। टेन थीटा इजकल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी वैल्यू जाएगी 7 और बी डी हम लोग यहाँ से साइन निकालेंगे, बी डी वैल्यू जाएगी 7 मीटर। देन सेकेंड ट्राइंगल आप में भी देख सकते हो, यहाँ पर सेकेंड ट्राइंगल यहाँ पर देख सकते हो ए आपका यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो ये जितनी वैल्यू है बी डी की वो वैल्यू सेम बी डी की, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो सेम डायमेंशन। तो देन हम लोग यहाँ लगा देंगे 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इन ट्राइंगल ए सी में ए सी बराबर बी डी के 7 मीटर, 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी 7√3 मीटर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो वैल्यू मिल गई है वो सी मिल चुका है, और जो सी डी की वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं सी डी जो होगा वो दिस प्लस दिस, यानी इन दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ने को जोड़ देंगे, 7√3 + 7, यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1। देयरफॉर द हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7√3 + 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो यहाँ पर ये हम लोग बनाएंगे लाइन 75 मीटर है, और द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन टू शिप का, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन टू शिप का जो है फ्रॉम 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑफ द सेम ऑफ द लाइट हाउस, तो देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व हो गया कि जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर है उसकी हाइट सी लेवल से, और एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन जो यहाँ पर बात की गई वो 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो हम ये जानते हैं कि इसका अल्टरनेटिव ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये एंगल 45 डिग्री है तो इसका अल्टरनेटिव एंगल ये हम लोग 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ट्राइंगल मेथड लगा देंगे, तो इससे हमें पी सी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी लिया, इस ट्राइंगल में 10 थीटा लगा दिया, 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर बी सी इक्वल टू 75 मीटर। फिर पूरा होल ट्राइंगल ले लेंगे इन होल ट्राइंगल ए बी डी में, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी 75/BD। तो 75/BD यानी बी डी मिल सकते हैं बी सी प्लस सी डी, और 10/30 होती है 1/√3। बी सी 75 है प्लस सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी डी इक्वल टू आ गया 75√3 - 1। तो ये मस्ट है कि आप यहाँ पर डायग्राम सही बनाएंगे, डायग्राम सही बनेगा तो ही क्वेश्चन जो होगा वो सही से सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है यहाँ पर कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड। यहाँ पर देखते हैं पहले पोजीशन बैलून विद द विंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से जो हाइट है वो 82.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले यहाँ पर जो है एंगल है 60 डिग्री। सेकेंड, बट आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस टू 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस डायग्राम को हमें एनालाइज किया, तो डायग्राम से हमें इस तरह से अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस 82.2 मीटर हो गया, 1.2 मीटर का टॉल हो गया। तो इसको हम 82 माइनस 0.2 माइनस 1.2 करेंगे तो हमें ये बी जी की वैल्यू
मिल जाएगी। देन अब हम लोग यहाँ पर सिंपल अप्लाई करेंगे, पहले ट्रायंगल ए सी ई लेंगे, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं तो ए सी ई, ए सी ई, यहाँ पर इसको देखेंगे ध्यान से। तो पहला ट्रायंगल हम लेंगे ए सी ई, ए सी लेंगे जहाँ पर जो एंगल की वैल्यू 1060 डिग्री है, तो 1060 हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देन 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू होगी हमारी ए अपॉन सी ई। तो ए को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ। ए एफ क्या है, ए एफ हमारा ये टोटल लेंथ है, ए एफ माइनस ई एफ हम लोग ले सकते हैं। तो ये भी वैल्यू सेम स्टेटमेंट रहेगा, ए एफ माइनस ई एफ, ए एफ माइनस ई एफ, यहाँ पे आप ले सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ कर देंगे। तो ये हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल वैल्यू है 82.2 मीटर डिस्टेंस है, हाइट जो है उसमें से 1.2 माइनस कर दिया तो हमारा बच्चा 87 अपॉन सी ई इक्वल टू 1060 डिग्री रूट थ्री। तो यहाँ से सी ई की वैल्यू हो जाएगी, सी ई की वैल्यू हो जाएगी 87 अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, तो यानी 29। तो सी ई की वैल्यू हो जाएगी 29 रूट थ्री मीटर। फिर सेकंड ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल है बी सी जी, बी सी जी, यहाँ पे आप देख सकते हो बी सी जी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे सिंपल 1030 डिग्री, तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी जी अपॉन सी जी। तो बी जी 82.2 माइनस 1.2 अपॉन सी जी इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री, तो सी जी इक्वल टू हो जाएगा 87 रूट थ्री मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून जो है टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून की यहाँ बात करें तो बैलून डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गई, यानी दिस ई से जी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो देन हो जाएगा ई जी इक्वल टू सी जी माइनस सी, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सब्ट्यूट कर दिया वैल्यू, तो आंसर इज 58 रूट थ्री मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। तो एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मैन जो है वहाँ पर स्टैंडिंग है एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व अ कार एज द एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन इज 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ देखिए बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, तो 6 सेकेंड लेटर, यूनिफॉर्म स्पीड एंड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू रिस्पेक्टिव, तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमने मान लिया कि ए भी हमारा टावर है और इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार सी विच चेंज टू डी आफ्टर 6 सेकेंड, सी टू डी आफ्टर 6 सेकेंड। तो अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी की बात करते हैं तो ए डी बी, तो 1060 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा ए डी अपॉन डी बी, 1060 हो जाएगी रूट थ्री, तो रूट थ्री इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, तो यहाँ से डी बी हो जाएगी ए बी अपॉन रूट थ्री। सेकेंड की बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अब यहाँ पे पूरा ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी, ए बी सी में देखते हैं तो 1030 लगाएंगे, तो 1030 की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी बी सी ले सकते हैं बी डी प्लस बी डी सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी रूट थ्री बराबर बी डी प्लस डी सी। अब
क्योंकि हमें यहाँ से निकाला है बी डी वैल्यू हमारी यहाँ पर है ए बी अपन रूट थ्री, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ए बी रूट थ्री इक्वल टू ए बी रूट थ्री अपन रूट थ्री प्लस डी सी, यहाँ डी सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी रूट थ्री माइनस ए बी अपन रूट थ्री, ए बी कॉमन ले लेंगे तो रूट थ्री माइनस वन अपन रूट थ्री। अब एलसीएम लेंगे तो डी सी वैल्यू हो जाएगी हमारी, डी सी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं टू ए बी अपॉन रूट थ्री। बात यहाँ पे अब ये हो रही है कि यहाँ पे जो टाइम टेकन बाय द कार टू द डिस्टेंस डी सी जो है वो टू ए बी अपॉन रूट थ्री है 6 सेकेंड में। द कार ट्रेवल डिस्टेंस ए बी ए पी अपॉन रूट थ्री देन पुट आउट द वैल्यू, तो यहाँ पर हम जानते हैं 6 सेकेंड अपॉन डिस्टेंस टू ए बी अपॉन रूट थ्री इंटू यहाँ पर ए बी अपॉन रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, ए बी सी भी कैंसिल हो गया, टोटल जो टाइम है वो 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब विद थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर दे सकते हैं हम थीटा और 90 माइनस थीटा, और हाइट ऑफ टावर दे दी है 6 मीटर। यहाँ से हम लोग आसानी से यहाँ पर थीटा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन ट्राइंगल ए क्यू आर, इस ट्राइंगल देखते हैं नंबर वन ट्राइंगल, तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू आर, तो क्यू आर हमारा 4 मीटर दिया है, ए क्यू हमें दिया हुआ है दैट इज ए क्यू जो है वो विद द टावर है फ्रॉम आर एस द पॉइंट 4 m एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम दिस। इसी तरह से दूसरा सेंगल ट्राइंगल लेते हैं ए क्यू एस, यानी ये होल ट्राइंगल, दिस वन इज अ होल ट्राइंगल ए एस क्यू, तो ए क्यू अपॉन एस क्यू इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, 10 90 थीटा यहाँ पर हमारा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो ए क्यू और एस क्यू को हमने वैल्यू दी है 9 मीटर। देन अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वेशन और इक्वेशन टू का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हो ए क्यू इंटू ए क्यू स्क्वायर जा रहा है और 4 × 9 = 36, 10 θ × cot θ हमारा हो जा रहा है 1, तो ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36, तो ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइट जो होती है वो नेगेटिव हो नहीं ले सकते, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर इज प्लस 6 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने बस यह ध्यान रखा कि यहाँ पर जो हमें एंगल नहीं पता था बट हमें पर्टिकुलर बेस की लेंथ पता था, और ये जो हाइट है ये दोनों के लिए, दोनों ट्राइंगल के लिए, फुल ट्राइंगल और हाफ ट्राइंगल के लिए यहाँ पर कॉमन था। तो हमने ए क्यू जो है पहले फर्स्ट ट्राइंगल से और फिर ए क्यू होल ट्राइंगल से लिया, और रिस्पेक्टिव हमें एक रेशियो मिल गया जिसके थ्रू हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।